बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी किचन एस ए। व्यूवर्स, आलू एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। हमारे घर का भी यही हाल है कि आलू जो है वो हर तरह से, हर तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन आज मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ, एक नहायत ही मुनफरिद, एक बहुत ही अनोखी मैं आपके साथ डिश शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए हमने क्या किया कि तीन चार आलू आप ले लें, दरमियाने साइज़ के हों, बड़े हों, छोटे हों, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने उनको छील लिया और छीलने के बाद हमने उसको धो लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह से हम सालन में आलू डालते हैं, हमें उससे थोड़ा सा कम साइज़ में इसकी कटिंग करनी है। इसकी असल में जो कटिंग है ना, वही आप देखें कि हमने कटिंग इसकी कितनी करनी है। ये हमने किया और इसके बाद मुनासिब साइज़ में हमने इतने इतने पीस कर लेने, यानी कि मैंने आलू को आधा किया और आधा करने के बाद फिर मैंने उसको छः हिस्से कर लिए। तो मैं आपको अभी ये पीस भी दिखा देती हूँ कि वो कितना पीस बनेगा और इतने ही पीस बनाने क्यों ज़रूरी है। ये देखें, ये आपके पीस हासिल हो जाएंगे आपको। ये देखें, ये हमने एक आलू से बना लिया। इसी तरह से मैं बाकी जितने भी आलू हैं ना, मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने किस तरह से इसको एक अनोखी डिश में हमने इसको तब्दील कर देना है कि इतने मज़े की कि बच्चे जो हैं वो आपसे फरमाइश कर करके आपसे ये बनवाएंगे। चलें जी, ये हो गई है आलू की कटिंग। और अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एक आपको एक ये बिल्कुल सादी सी बारबेक्यू स्टिक है, हमने इसको इसमें पिरो देना है। बिल्कुल वही तरीका जिस तरह से आप गोश्त के टिक्कों को पिरोते हैं, बहुत ही आसानी के साथ पिरो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ये देखिए, और थोड़ा सा ना बीच में हमें इसका फासला छोड़ना है। अब ये पीस ऐसे हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा ये छोटे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। छोटे का तो ये हो जाता है कि वो घुल ना जाएं, और बड़े का ये हो जाता है कि अंदर से जो आलू है वो अच्छी तरह से हमारा गलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मुनासिब सा साइज़ है और बीच में मैं देखें कि मैं थोड़ा थोड़ा सा फासला इसका छोड़ दूँ। तो इस तरह से ना आपने पहले क्या करना है कि इन सारे आलुओं को इस तरह से हमने इसको पिरो लेना है। चलें जी, सबसे पहले हमने ये काम कर लिया कि बारबेक्यू स्टिक्स में हमने जो अपने आलूओं की कटिंग की थी उनको मैंने पिरो लिया। अब ये देखें कि तीन चार हमने आलू लिए थे और उससे आपके ये देखें ज़रा भर के जो आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो हमारी स्टिक्स बन गई है। अब क्या करना है, बर्नर की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे अगला मरला ये कि आपने इस तरह का एक फ्लैट पैन लेना है। इसे मैंने पहले से ही ना पानी उबलने के लिए रखती था। पानी आपने हसबे ज़रूर डालना है। मैंने दो गिलास लिए और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इस वक्त मैंने इसकी आँच थोड़ी सी कम कर दी है। अच्छा, अब ये जो हमारी स्टिक्स है ना, हम इसमें डाल देंगे। आप ये ख्याल कर लें कि आलू का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इस पानी में डिप हो जाना चाहिए। और अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी ताकि हमारे आलू जो हैं वो उबल जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना है, इतना बॉयल करना है कि ये डिश शेप ना हो, इनकी शेप ख़राब ना हो और ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अच्छा जी, इसको हमने कवर कर दिया था। कवर करने के बाद 5 मिनट का इसको टाइम दिया और देखें कि पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह उबल रहा है। और इस वक्त जो इनकी कंडीशन है वो खाती हूँ कि आप उल्टी तरफ से छुरी को इसमें डालें तो ये बहुत अच्छा, ये हमें पता चल रहा है कि ये गल गए। ये देखें, 5 मिनट का टाइम दिया था, बर्नर को ऑफ करके इनको पहले निकाल लें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने चाहिए मैदा, और मैदा हम लेंगे 1, 2 और 3 खाने वाले चम्मच मैंने भर के ले लिए हैं मैदे के। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है नमक। नमक डाल देंगे हम इसमें, 1/2 टीस्पून नमक चला गया, और 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे चाट पाउडर, और जी हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा जर्दा रंग। जर्दा रंग तकरीबन आप डाल दें 2 चुटकी के करीब। तो ये हमने शामिल कर दिया 2 चुटकी जर्दा रंग। और अब चाहिए हमें थोड़ा सा पानी। एक दफ़ा इसको सबको थोड़ा सा मैं खुश्क मिला लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना है।
बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक मुनासिब सा बैटर तैयार कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हाथ रोक के डालें हमेशा पानी, ताकि चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। और जितनी भी हम इस पे लागत लगा रहे हैं, हमारी मेहनत, हमारी लागत, हमारा वक्त, वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। अब देखिए कि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एकदम से पानी नहीं डाल रही हूँ, ताकि मुझे जो मैं चाहती हूँ उतना इसकी थिकनेस मुझे मिल जाए। अभी भी ये थिक है, थोड़ा सा पानी और डालूँगी और अब इसको मिक्स करते हैं। चलें जी, एक दफ़ा आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। ये देखें ज़रा, ये इतना थिक है कि इसका कोट किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत आसानी के साथ हो सकता है। अच्छा, अब ये आ गई हमारी स्टिक। आप इसी बाउल के ऊपर रख लें, ताकि जौन सा आपका बैटर है वो किसी प्लेट वगैरह में ना लग के ज़ाया हो। जितना भी गिरेगा ये इसी बाउल में जाएगा, तो ये आसानी से ना इसका काम हो जाएगा। पूरे आलू को कवर करना है और बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। अब ये देखें कि इसकी थिकनेस जो है ना वो इतनी है कि वो इस आलू के ऊपर इस ये जो बैटर है वो ठहर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पतला होता तो फिर वो नहीं ठहरता। ये हो गई, एक एक स्टिक साथ साथ तैयार करेंगे। और ऑयल को मैं पहले ही गर्म होने रख चुकी हूँ, तो इसको रखते हैं। तकरीबन एक मिनट हमने दरमियानी आंच के ऊपर इसको फ्राई करा। और अब ये देखें, मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, बहुत आसानी के साथ हो जाएगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप इनका कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर आ रहा है। और ये बहुत ही डिफरेंट स्नैक मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी वक्त खाएं, चाय का कप हो और किसी भी वक्त आप इसको खाएं। चलें जी, याद रखें कि आलू हमारे जो थे वो उबले हुए थे, और अब हमने इसके जो बाहर हमने इसका बैटर लगाया था उसका कलर देखें कि कितना प्यारा आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, बस इतना हमें यकीन हो जाए कि जो हमने मैदे की कोटिंग की थी वो अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई है। और अब ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है। आप इसको बहुत आराम के साथ पकड़ें, कोई मुश्किल नहीं है, और इसको आप डिश आउट करें। ये देखिए जी, वीडियो को अपने घर पे ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही बेल के निशान को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको जो उनसी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। अब इसी तरह से जो ऑयल गर्म हुआ हुआ है, बाकी के स्टिक्स जो हैं वो मैं डालती हूँ साथ। जी ये देखें जनाब, हो गई है हमारी आलू की डिश तैयार हो गई है। और क्या गोश्त के टिक्के इतने खुशनुमा और खुश जायका होंगे जितने के ये टिक्के आप ना देखें। तो यकीन है आपसे बार बार फरमाइश होगी, बार बार बनाएंगी। बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके बाद आप घंटी के बटन को दबाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।